आफ्टर बिग बॉस 17 अंकिता लोखंडे और विकी जैन अपनी पर्सनल लाइफ में लौट आए हैं। यही वजह है कि दोनों निकल पड़े हैं अपने वेकेशन मोड पर। हाल ही में दोनों स्पॉट किए गए एयरपोर्ट पर। मैम इकड़े इकड़े, मैम इकड़े इकड़े ना बोलिए। टीवी स्टार शरद मल्होत्रा वैलेंटाइंस डे से पहले ही फैंस को दे रहे हैं अपनी प्यार भरी सौगात। अपने लेटेस्ट म्यूजिक एल्बम के जरिए क्या कुछ कहना था शरद का उनके न्यू म्यूजिक एल्बम के बारे में, आइए आपको सुनाते हैं। यस, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट मंथ यार। आई थिंक वैलेंटाइन है, आई थिंक प्री वैलेंटाइन लोगों के लिए कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा कि एक सौगात या एक जस्ट काइंड ऑफ गिफ्ट उपहार लोगों को देना, आई थिंक ये इनका आइडिया था कि ये गाना वैलेंटाइन के पहले रिलीज करें। ये हमारी निर्माता हैं, को एक्टर भी हैं, और आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग कि गाना आज फाइनली रिलीज़ हुआ है। इनका जो म्यूज़िक लेबल है उसका भी लॉन्च आज हुआ है, तो आई थिंक दो बहुत अच्छे काम हुए हैं आज के दिन। सो आई थिंक बस यही है कि भाई वैलेंटाइन जो भी मना रहे हैं, जहाँ जहाँ मना रहे हैं, प्लीज़ लिसन टू दिस ट्रैक, इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक। गाने का नाम है लव एंड लाते, बहुत कैची है एज ए टाइटल, अभी हम बात ही कर रहे थे। तो आई थिंक इट्स आउट एंड आउट अ वेरी फिल्मी ट्रैक, मतलब जिस तरह ये शूट हुआ है, जिस तरह कंसीव हुआ था गाना, जिस तरह हमने प्लान किया था सब ने मिलके, आई थिंक आर्ली ने भी जिस तरह एज अ प्रोड्यूसर जो अपनी भूमिका निभाई, आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। इट डजेंट लुक लाइक अ म्यूजिक वीडियो, लेट मी टेल यू, स्टैंडर्ड वाइज लेवल इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन वैल्यू, कॉस्ट्यूम्स, लोकेशंस, एवरीथिंग, एक्टर्स, ऑडियो, माशाल्लाह, वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो what would you like to say since it's like the valentine month? Yeah, so ek hi cheez bolungi, ye gana suniye aur wahi wahi kaafi hai. Serial Imli ka ek latest promo hua hai out, jisme dikhai gayi hai maut, jise dekhkar fans ke ud gaye hain hosh, aur saath hi ye sawal bhi uthne lage hain ki kya अगस्त यानी के टीवी स्टार साई केतन राव हो जाएंगे शो से आउट? क्या साई केतन राव सीरियल इमली को छोड़ने वाले हैं? वही मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी खबरें भी छन छन कर आ रही हैं कि साई केतन राव शो को छोड़ने के लिए हैं पूरी तरह से तैयार। टीवी स्टार क्रिप सूरी और उनकी वाइफ को लेकर कई बार ऐसी खबरें आईं कि क्रिप और सिमरन में नहीं है ऑल इज वेल। वहीं जब जूम ने टीवी स्टार क्रिप सूरी से की एक्सक्लूसिव बात और जानना चाहा उनके और उनकी वाइफ के इन खबरों के बारे में, तब क्या कुछ कहना था क्रिप का, आइए आपको सुनाते हैं। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि वो दर्द, जो पेन, जो मेरे, अगर मैं लिखता हूँ, जब मैं जाहिर करता हूँ, वो सबके लिए सिर्फ मेरे और मेरी वाइफ तक ही आगे सीमित क्यों हो जाता है। सर, मुझे ये बात समझ नहीं आई। हर इंसान की ज़िंदगी की, हर यहाँ पे दुनिया में ऐसा कोई कपल नहीं है जिसके अंदर, कहते ना कि, और उनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स ना आते आए हों, आए हैं, सबके अंदर आए हैं, और जो ज़रूरी भी होता है आने भी चाहिए, बट वी आर वेरी मच टुगेदर, वी आर नॉट सेपरेटेड, वी स्टेइंग टुगेदर, वी एंड आई एम वेरी लकी टू हैव हर इन माई लाइफ। आई फील शी इज़ द बेस्ट गर्ल that God has blessed me. Why? There are reasons. Because she's always there with me in my bad times. She's always there with me in my ups and downs. And sabse important reason that she has blessed me with a wonderful girl, baby girl. And wo kehte hain ki daughter is a father's, betiyan papa ki jaan hoti hain. तो वो मेरे और आखिरी प्यार होते हैं ना, मतलब लास्ट लव, सेकंड लव, सेकंड एंड लास्ट लव इज डॉटर। तो भाई जहाँ पे ठप्पा ही लग गया प्यार का, यहाँ से शुरू हुआ जो सिमरन है, और सिमरन से पहले बेसिकली अगर बात करूँ, अमरेली, आई वांट टू करेक्ट, माँ से शुरू हुआ। मैं भी कहते हैं माँ का पहला प्यार आखिरी प्यार होता है बेटा, तो वो मैं था, वहाँ से प्यार की जर्नी शुरू हुई, फिर सिमरन आई, सिमरन से अब वो, उसने मुझे वो बेटी दी जहाँ अभी प्यार का ठप्पा लग गया। अब इन तीन औरतें हैं जो मेरी लाइफ में बड़ी खूबसूरत सी हैं, बड़ी प्यारी सी हैं, एक मेरी माँ है, एक मेरी बेटी की माँ है, तो यहीं पर ही सीमित है। एंड आई लव ऑल दीज थ्री वुमेन इन माई लाइफ। आई डोंट नो द आइडिया ऑफ यू नो ट्रोलिंग पीपल, वर ट्रोलिंग मी मेरे कुछ मैसेजेस की वजह से। वो क्या होता है कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं हर किसी की लाइफ में, किसी की लाइफ में फाइनेंशियली अप्स एंड डाउन्स आते हैं, किसी की लाइफ में होता है आप काम कर रहे होते हो तो आपको उसका उतना रिवॉर्ड नहीं मिलता इन टर्म्स ऑफ मनी वाइज, कभी कभार आपको पैसे डिले हो जाते हैं, कभी कभार आप काम करते हो तो काम रिलीज नहीं होता, तो उन सब चीज़ों
का एक कहते हैं ना मुद्दा निचोड़ आप जब आप निकालते हो और अगर आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो मुद्दा सिर्फ मेरा और मेरी बीवी को लेकर ही होगा, क्योंकि चीज़ें खराब होती हैं प्रोफेशनल लाइफ में तो पर्सनल लाइफ में ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाती है, क्योंकि जब पैसा नहीं होता तो इंसान के पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कपल्स अलग हो गए, सेपरेट हो गए, नहीं भाई, हम बहुत अच्छे से साथ में हैं, वी आर वेरी मच टुगेदर एंड वी आर वेरी मच डीप इन लव विद ईच अदर, आई लव हर टू द कोर, शी लव्स हिम टू द कोर, वी आर वेरी मच टुगेदर, वी आर वेरी मच टुगेदर. So I'm why I'm like putting stress on this because I've been hearing all these things, yeah, you know, बहुत सारी अलग हो गए या अलग चले गए, हाँ अलग चले गए हैं, अलग हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम लोग बिल्कुल साथ में हैं, साथ में रहते हैं. टीवी स्टार ज़िशान खान ने ज़ूम से एक्सक्लूसिव बात करते हुए खोले अपने दिल के राज और बताया गर्लफ्रेंड रहना पंडित से अपने ब्रेकअप की असली वजह. क्या कुछ कहना था ज़िशान का, आइए आपको सुनाते हैं. हमारा ऐसा कुछ नहीं हुआ था, डिफरेंसेस हो जाते हैं, मतलब प्यार अभी भी आई फील वो मुझसे करती है और प्यार मैं भी उससे बहुत करता हूँ, बट क्या हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना, कभी उसका थॉट प्रोसेस अलग है, मेरा थॉट प्रोसेस अलग है. जब वो अंडरस्टैंडिंग मिलती नहीं है, व्हेन इट डजंट मर्ज इनटू वन अनदर और वो क्लैश होती है ना, तब थोड़ा सा यू नो प्रॉब्लम हो जाती है, तब डिफ़िकल्टीज होती है. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात फॉर ऑल द पीपल आउट देयर जिनका बॉयफ्रेंड है, जिनकी गर्लफ्रेंड है, गाइज स्टॉप टेकिंग फ्रिकिंग एडवाइस फ्रॉम फ्रेंड्स. योर फ्रेंड्स आर यू नो बहुत कम दोस्त होते हैं जो आपके वेल विशर होते हैं, जो अच्छे बुरे में भी दे वॉन्ट द बेस्ट फॉर यू. बाकी के जो दोस्त होते हैं ना, आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, जो दोस्त होते हैं ना दे वुड नेवर दे, उनको भी एक वो ऐसा हो जाता है कि यार वी डोंट वॉन्ट दिस पर्सन टू यू नो ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम अस, वाई इज़ दिस यू नो नाउ दिस पर्सन हैज़ अ गर्लफ्रेंड और अ बॉयफ्रेंड, इसको क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहा है, मैं तो इतने साल से रहा हूँ. वो ईगो उनका भी आ जाता है, तो दे ऑल्सो वॉन्ट टू शो कि भाई हम अगर तुम हमारे साथ अच्छे हो तो हम तुम्हारा ये रिलेशनशिप टिकाने में हेल्प करेंगे. और जब वो ईगो आ जाता है ना, तो यू विल नेवर गिव योर बेस्ट फ्रेंड द बेस्ट एडवाइस. सो फॉर ऑल द कपल्स आउट देयर, जो भी अगर आपके बीच में कुछ भी हो रहा है ना, कीप इट बिटवीन योर सेल्व्स. बाहर जाके बात करना, एंड दिस इज द सेम थिंग दैट हैपेंड विद मुनावर ऑल्सो नो, जब ये चीज़ बाहर आई इट बिकेम एन अगली मेस. आप अपने बीच में रखो एंड यू ऑल सॉर्ट इट, बिकॉज अगर आपने लाइक यू सेड सोल मेट्स राइट, सोल कनेक्शन, अगर आपका वो कनेक्शन बैठा है किसी के साथ, you have a conversation with them one on one, clear it out, clear, don't move from that till you don't clear it out, but never go to your freaking friends because they will give you the most shittiest advice there is, and 110% of the times you will end up separating.